टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली हाउ स्टार्टेड ओके जस्ट जानना चाहूंगा कि कहां शुरुआत हुई आपके एक्टिंग करियर की क्या इंस्पिरेशन था और व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू नो रियली न्यू दैट यू वांट टू बिकम एक्ट्रेस So first time I really felt passionate about being an actress was only about 2.5 years later when I started coming to Mumbai. इससे पहले कभी नहीं सोचा था. कई लोगों का बचपन से ही ड्रीम होता है कि अरे मैं बड़े होके मॉडल बनूंगी या मैं एक्ट्रेस बनूंगी या मेरे ये आइडल्स हैं. तो मेरे साथ कुछ भी नहीं था वैसा. मैं तो एयर होस्टेस थी एंड आई वॉज नाइसली फ्लाइंग एंड इन अ नाइस गवर्नमेंट जॉब और कभी सोचा ही नहीं था. फिर क्या हुआ कि फ़्लाइट में मुझे कुछ लोग मिले मुंबई फ्लाइट्स में. मॉडल कोऑर्डिनेटर्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो टोल्ड मी दैट यू गॉट अ ग्रेट फेस सो यू मस्ट गिव इट अ शॉट. आपको एक्ट्रेस बनना चाहिए, आपको मॉडलिंग ट्राई करना चाहिए. सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई टुक दैट अ लिटिल बिट सीरियसली, टू सीरियसली. और फिर जब मुंबई नाइट स्टॉप्स पे आती थी अपनी फ़्लाइट में तो यहाँ आके मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए. थोड़ा थोड़ा बेस बनाया, लोगों से मिली, थोड़ा नेटवर्क बनाया. तो 6 महीना ऐसा ही चला कि मैं शटल करती रही दिल्ली मुंबई. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली एंड आई वाज फ्लाइंग आउट ऑफ दिल्ली ओनली. तो शटल करते करते जब 6 महीने निकल गए और थोड़ा मुझे लगा कि अभी सेटअप बन गया है तो फिर मेरा पैशन और ज़्यादा बढ़ गया और मैंने सोचा अभी तो आई हैव टू पैक माई बैग्स टू मुंबई. तो बस फिर मुंबई पहुँच गई और मॉडलिंग करना शुरू कर दी फुल ऑन. So I have done about more than 100 ads and commercials with big brands like Indian Oil Servo. So my hoardings had come up on all petrol stations across India. I've modeled for Sahara and also a lot of big brands. Then I've modeled for music videos or एक रियलिटी शो का अपॉर्चुनिटी मिला मुझे प्राइम चैनल पे. तो वो मैंने होस्ट किया. So the show was judged by Prem Chopra and it was a good show. So I was quite noticed in that show. और ये करते करते फिर एक दिन you know I bumped into Mr. Madhur Bhandarkar और he just told me कि मैं ना एक picture बना रहा हूँ इंदू सरकार. तो उसमें एक गाने की casting कर रहा हूँ, एक गाने के लिए एक लड़की चाहिए. तो वो गाना जो है वो अमृता फडणवीस ने गाया है, हमने रिकॉर्ड किया ऑलरेडी. सो व्हाई डोंट यू गो एंड स्क्रीन टेस्ट फॉर दैट. तो मैं गई स्क्रीन टेस्ट किया एंड आई वाज सिलेक्टेड. सो देन आई हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ इंदू सरकार और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री. उसके बाद तो फिल्में मिलना शुरू हो गई. उसके बाद मैंने जीनियस मूवी में भी काम किया एंड इट वॉज एन एनसेंबल स्टार कास्ट इन जीनियस. मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती. सो बहुत ही मज़ा आया. अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने में मज़ा आता है, बहुत सीखने को भी मिलता है. सो इट वॉज अ गुड इवोल्यूशन फॉर मी फ्रॉम बींग एन एयर होस्टेस टू बींग एन एक्टर. और अभी तो जो फिल्म कर रही हूँ, जो मेरी तीसरी फिल्म है उसका नाम है चंद तारा और पंजाबी फिल्म है, 30 नवंबर को रिलीज़ है. एंड I am dead sure कि ये मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट होगी. आई एम डूइंग अ डबल रोल इन दिस फिल्म. सो एज द नेम सुजेस्ट चंद तारा. सो चंद इन पंजाबी इज़ चांद एंड तारा इज सेम एज इन हिंदी. तो एक लड़की का नाम चंद है और दूसरी का नाम तारा है. तो येस इट्स अ फुल फैमिली एंटरटेनर काइंड ऑफ अ फिल्म. तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि 30 नवंबर को ज़रूर आइए थिएटर्स में और अपना प्यार दीजिए. तो ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब में थी आप, यू नो सिक्योर करियर होता है, तो कितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर था जब आपने शुरुआत की? यू गॉट अपॉर्चुनिटीज तुरंत से मिलने लगे, यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट, क्या हुआ बेसिकली? आई एम समवन हु ऑलवेज टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क इन लाइफ और इस केस में भी वही हुआ. डेफिनेटली वो सिक्योर जॉब तो थी और इनफैक्ट मेरी फैमिली ने भी काफ़ी अपोज किया इस चीज़ को. दे वर प्रिटी अगेंस्ट दिस डिसीजन इन द बिगिनिंग. लेकिन जब उन्हें लगा कि नाउ आई एम लाइक सेलिंग थ्रू और अभी थोड़ा स्मूथ सेलिंग हो गया है तो अभी वो भी मेरे फेवर में एंड दे रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑल माई फिल्म्स. तो क्या कहना चाहेंगे कि पहला जो आपका बिग बेट था इंदू सरकार था, तो मधुर भंडारकर के साथ काम करने का जो अनुभव था वो बताइए, वो शर्टी जी कैसा रहा? वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मिस्टर मधुर भंडारकर इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर. ही हैज़ मेड माइलस्टोन फिल्म्स और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके. फिल्म को काफ़ी क्रिटिकल एक्लेम मिला, मेरे गाने को काफ़ी रिकग्नाइज किया गया. आई गॉट लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर दैट. तो बहुत ही मज़ा आया
उनके साथ काम करके और मैं दोबारा काम करना चाहूंगी मधु जी के साथ। एंड राइट नाउ यू आर फॉकिंग इन पंजाबी फिल्म, उसके लिए बताइए कि वो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कितना टर्निंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है फ्यूचर के लिए? डेफिनेटली आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि एक एक्टर के लिए डबल रोल मिलना इज अ रेयर थिंग। मतलब बहुत सारे पहुंचे हुए दिग्गज एक्टर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उनके करियर में डबल रोल प्ले करने की, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मेरी तीसरी फिल्म है, एक तरीके से करियर की शुरुआत ही है और मुझे एक डबल रोल प्ले करने को मिला और वो भी इतना इंटेंस। तो इस रोल को जस्टिस करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है, बहुत हार्डवर्क किया है। द लेजेंडरी एक्ट्रेसेस लाइक हेमा मालिनी जी हु प्लेड अ डबल रोल इन सीता और गीता, लेजेंडरी मिस श्रीदेवी जी, लेट मिस श्रीदेवी जी जिन्होंने चालबाज में ये दो किरदार निभाए, कितनी ही खूबसूरती से कितना कमाल का काम किया है। तो मैंने उनकी फिल्में बहुत बार देखी ये दोनों फिल्म्स और खुद पे काम किया फिल्म से पहले, 2 महीने वर्कशॉप किया और वो जो डिफरेंस दोनों कैरेक्टर्स में इन दोनों फिल्म में दिखाई देता है कि एक नॉर्थ है तो दूसरी साउथ है, यू नो, तो वही डिफरेंस लाने की मैंने कोशिश करी है पूरे अपने दोनों किरदारों में और बहुत ही मज़ा आया लेकिन इस ये दोनों रोल्स करने में। इट वॉज़ वेरी गुड और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। लास्टली पूछना चाहूँगा कि अभी दो सब्जेक्ट, पहले एक नेपोटिज्म का एस्पेक्ट था कि मतलब जो लोग फैमिली बैकग्राउंड के होते हैं उनको मिलता है और बाद में मी टू आ गया, ये दोनों निगेटिव एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आपने किस तरह से देखा इन चीज़ों को? सी आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन इन लाइफ, तो मेरे पास तो कोई भी नेगेटिविटी फटकती नहीं है, मतलब बिकॉज मेरा ऑरा भी ऐसा है कि कोई भी चीज़ आके बाउंस हो जाती है। सो डिटो विद दीज टू थिंग्स, और मुझे वैसे भी लगता है कि नेपोटिज्म अगर है भी तो वो तो हर फील्ड में है ना, वो शोबिज़ को हम इतना ज़्यादा हाइप क्यों कर देते हैं, अरे शोबिज़ में सब लोग अपने बच्चों को ही प्रमोट कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को ही कर रहे हैं, वो तो हर लाइन में ही होता है। इवन इफ़ यू गो टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो वहाँ पे भी जो टाइकून्स हैं वो अपने बच्चों को ही देते हैं ना बाद में, तो इट्स नॉर्मल। बट मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी फैमिली की मीना कुमारी हूँ जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, सो आई टेक मोर प्राइड इन इट। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा मोरल और बूस्ट करता है कि अरे आई विल बी द फर्स्ट वन इन माई फैमिली और मे बी टुमारो इफ समवन कम्स फ्रॉम माई फैमिली तो आई विल बी एबल टू सपोर्ट देम, यू नो, तो मुझे वो बहुत गर्व की बात लगती है। और जहाँ तक कि मीटू का सवाल है तो मुझे लगता है कि कल्प्रिट्स शुड बी ब्रॉट टू बुक्स, अगर कोई रॉन्ग डूइंग हुई है तो डेफिनेटली लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन जो मीडिया ट्रायल्स हैं थोड़े से वो कम होने चाहिए क्योंकि अलिजेड जो है वो पहले ही गिल्टी मान लिया जाता है अगर मीडिया ट्रायल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि पहले लॉ ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद इफ़ समवन इज़ फाउंड गिल्टी तब आप उसको मीडिया में घसीटो और छितर मारो, बट उससे पहले यू नो लेट लॉ डू इट्स जॉब। सो Hi.